अब देखो मैंने पूरा पंजा दबा दिया है, पूरा मैंने जो एक्सेलरेशन कर रखा है ये देखो भाई, जो वो रबर बैंड इफेक्ट होता है एएमटी के अंदर वो है, बट इतना नहीं है कि आपको एकदम से जर्क फील करा दे। अभी देखना मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊंगा और देखना गियर शिफ्ट करती है, देखना ये देखो भाई अपने आप जो है सेंटर में। सो एवरीवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये चाबी हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को, ये है आपके सामने 2023 फेसलिफ्टेड टाटा नेक्सॉन और ये इसका टॉप एंड ट्रिम है फेयरलेस प्लस एस और ये इसका डीजल ऑटोमेटिक है मतलब कि एएमटी। तो आज इसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, पर्सनली मतलब फील करने वाले हैं कि इसके एएमटी में अब आपको क्या नया मिलता है, डीजल ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जस्ट ऑटोमेटिक की है और आपको डीजल इंजन वाला पंच चाहिए तो इसकी तरफ आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल ये आप देख सकते हो एकदम बहुत बढ़िया सी लोकेशन पर गाड़ी को लेके आए हैं। तो अब इसको टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं और देखते हैं कि गाड़ी ओवरऑल मतलब कैसी लगती है, चलाने में कैसी है, मनूवर करने में कैसी है, कंफर्ट गाड़ी का कैसा है, एसी गाड़ी के डायनेमिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सब कुछ जितना कर पाएंगे क्योंकि इस चीज़ में मैं इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी इस फील्ड में बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसकी जो है इंजन नॉइज सुना देता हूँ क्योंकि ये डीजल इंजन है। तो ये चाबी मैंने यहाँ पे रखी और ये मैंने नीचे पेडल जो है प्रेस किया और ये मैंने स्टार्ट करी। तो ये आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि गाड़ी के अंदर जो है आवाज आती है इंजन की, और इंजन भी आपको दिखा देता हूँ। मतलब जो डीजल इंजन का बिहेवियर होता है वो इसके अंदर है। ये है यहाँ पे 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो इसके अंदर आता है, हुड के अंदर डेवलप करता है ऑलमोस्ट 118 bhp 170 nm का टॉर्क। तो क्या है उसकी पावर फिगर्स, एक्चुअल में कैसा थ्रिल देता है वो पावर और वो टॉर्क, उनकी बातचीत करते हैं और अभी लेके चलते हैं गाड़ी को। और ये आप देख सकते हो टॉप एंड ट्रिम है ये और टॉप नो सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह, ये लेदर अपोस्ट्री और ये लिमिटेड टाटा का लोगो। अगर इसकी वजह से आप इसकी तरफ जाना चाह रहे हो तो आप इसका बेस मॉडल भी जो है कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये है ओवरऑल सारी चीज़ें। दरवाज़ा जो है एक बार लगा लेते हैं, थर्ड एक नंबर आती है। सीट बेल्ट जो है वो लगा लेते हैं, यहाँ से लगाई और स्टिल आप फील करोगे ये देखो इंजन नॉइज जो है वो गाड़ी के अंदर आती है क्योंकि ये डीजल इंजन है और सीधी सी बात है वो आएगी भी। तो यहाँ पे डेड पेडल के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट दी हुई है। स्टेयरिंग व्हील जो है एकदम मलाई मक्खन भाई, बहुत ही ज्यादा लाइट है मतलब। सो अभी नीचे जो ब्रेक पेडल है उसको करते हैं प्रेस और इसको डाल देते हैं डी पे। इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे एक बटन है जिसको आप प्रेस करोगे और ये डी पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ब्रेक जो हैंड ब्रेक अपनी नीचे कर दी है मैंने, अपना डी पे आ चुकी है, ब्रेक से पैर हटा रहा हूँ। तो ये देखो अपने आप से ही गाड़ी जो है चलना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आप देखो नीचे पैर भी नहीं रखा अभी और यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी चल रही है। तो एएमटी है ये, तो ये लो ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, इसमें देखना ये जो एकदम से आती है ना रर एकदम से मतलब इस तरीके से गियर शिफ्ट करती है जिस तरीके से आप मैन्युअली गियर शिफ्ट करोगे। और एएमटी का मतलब भी वही होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वो बिहेवियर है इसके अंदर। गियर शिफ्ट होते हैं तो उसका पता चलता है, देखो जो वो रबर बैंड इफेक्ट होता है एएमटी के अंदर वो है, बट इतना नहीं है कि आपको एकदम से जर्क फील करा दे। तो स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाते हैं, बट हाँ पता तो चलती है कि भाई गियर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे आप एक मैनुअल गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट करते हो कुछ कुछ वैसा सा ही बिहेव करता है इसका गियरबॉक्स। और टर्न्स वगैरह पे ऑटोमेटिकली वेट आ जाता है तो वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई गाड़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है। तो ये देखो अभी देखना मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊँगा और देखना गियर शिफ्ट करती है, देखना सो ये बिहेवियर है मतलब जिस तरीके से शिफ्ट करते हैं मैन्युअली हम, मतलब थोड़ा होल्ड लेते हैं अपना एक्सलेशन से जो है पैर हटाते हैं फिर क्लच दबाते हैं फिर गियर डालते हैं, उतना ही टाइम ये भी लेता है गियर शिफ्ट करने में। बाकी ये अपना एएमटी है तो उसके चक्कर में थोड़ा वो क्लच वाला सिस्टम जो है वो फ्री हो जाता है उस चीज़ से कि आपको अपने हाथ से गियर नहीं डालने, बाकी बिहेव जो है उसी तरीके से करता है। और
इतना भी कोई सिरदर्दी वाला काम नहीं, और इतना भी मतलब ऐसा हेजिटेटिंग नहीं है कि भाई आप परेशान नहीं हो जाओ इससे कि भाई ये क्या ही कर रही है। बस थोड़ा वो है जो रबर बैंड इफेक्ट जो है वो आता है डेफिनेटली। रोड नॉइस नहीं आती है जितनी कि इंजन नॉइस आती है गाड़ी के अंदर। थोड़ा इंजन मतलब थ्री सिलेंडर भी है और डीजल इंजन है तो ऑब्वियसली इतना जो है वो साउंड जो है अंदर की तरफ आता ही है। बाकी जो ये विंडो एरिया है साइड से आप देखोगे कहीं से भी व्यूइंग एंगल जो है गाड़ी का शानदार है। बाकी बोनट व्यू जो है वो क्लियर है गाड़ी का, नो डाउट शानदार लगती है। और यहाँ से व्यूइंग एंगल वगैरह जो आप देखोगे वो भी शानदार है। और यहाँ से अभी यू टर्न लेंगे। अभी तो मैं मतलब बहुत नॉर्मली गाड़ी को चला के लेके आऊँ, अभी मैं थोड़ा रेव करके दिखाऊंगा आपको इसको कि ये रेव करते हैं तो कैसे रिएक्ट करती है। देखो ये देखो भाई अपने आप जो है सेंटर में, आप देखो मैंने पूरा पंजा दबा दिया है। सो अभी मैं ड्राइवर सीट से को पैसेंजर सीट पे आऊँ और दो तीन चीज़ें जो है मैंने अभी नोटिस करी जिन पे मतलब ड्राइविंग के टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो वो ये चीज़ थी कि इसके अंदर एक तो पैडल शिफ्टर्स आते हैं जो कि आप चाहो तो अपने हिसाब से, कभी आपका मन किया अपने हिसाब से रेव कराने का गाड़ी को अपने हिसाब से गियर शिफ्ट करने का तो वो आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जो ये मोड्स आते हैं ना, ये देखो ये शिफ्ट कर दिया इसने। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो इको मोड लिख के आ रहा है ये आप देखोगे यहाँ पे, और मैं इसको अभी स्पोर्ट्स पे कर देता हूँ। ये देखो सिटी और ये लो जी स्पोर्ट्स मोड। तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ चुकी है। और आपने कभी ध्यान दिया हो तो पहले जो नेक्सॉन आती थी उसके अंदर जब भी ये मोड चेंज होता था तो ये बोल के बताती थी कि भाई स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, इको मोड एक्टिवेटेड। तो ये जो इरिटेशन थी ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है और अभी ये जो है स्पोर्ट्स मोड पे है गाड़ी। तो भाई अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे, मैं जस्ट आपको ये सीन दिखाऊंगा कि गाड़ी रेव कैसे करती है, बिहेव कैसे करती है स्पोर्ट्स मोड के ऊपर। तो भाई आप कंटिन्यू करो। पूरा मैंने जो एक्सेलरेशन कर रखा है ये देखो भाई, मतलब कि ना कितने सेकंड शायद, तो वैसा सा ही कुछ है जैसा मतलब वही चीज आ जाती है जब मैनुअली आप जैसे गियर शिफ्ट करते हो तो वो चीज फील होती है। आपको कैसा लग रहा भाई ये बताओ एक बार। नंबर भाई पहले जितना इफेक्ट आता था गियर चेंज होने में, जो गैप मतलब गियर चेंज का जो टाइम था वो अब इसमें काफी कम हो गया है पहले जो डीजल के मुकाबले अब वाली में। तो ये चीज जो है काफी अच्छी है। बाकी यार बिल्ड क्वालिटी आपको हैवी मिलती है, इंजन है डीजल है तो भाई आपको नॉइस के लिए तो आप तैयार रहो, थोड़ी सी कैबिन नॉइस तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। मतलब लगता है कि यहाँ पे गाड़ी मतलब जोर लगा रही है। हाँ जोर लगा रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। अच्छा जैसे ही आप इंडिकेटर देते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैमरे, ये चीज जो है काफी अच्छी चीज है जो कि मेरे को काफी पसंद आई। 360 कैमरे का एक ये जो बेनिफिट है ये आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इंडिकेटर बंद होते ये भी बंद हो गया। बाकी भाई जो ये गियर जो है शिफ्ट कर रही है इसके बारे में पर्टिकुलरली बताओ कि मतलब ये कितना स्मूथ लगा पहले वाली से। पहले वाली से बेटर है, लेकिन हम अगर डीसी होता तो और बेटर होता, जो आप पेट्रोल में ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इस चीज से इशू है तो वहां पे आपको लेकिन एवरेज नहीं मिलेगी, डीजल में आपको एवरेज मिलेगी। तो थोड़ा सा तो भाई मतलब पहले वाली का अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 30-40% जो है टाइम कम हुआ है। ये तो अगर है। पहले वो 100 टाइम लेती थी तो अब ये जो है 60 सेकंड का टाइम लेती है, आप इस टाइप से समझ सकते हो इस चीज को। तो पहले से ये बेटर हुआ है। बाकी अभी और रिफाइनमेंट आएगी जैसे जैसे डीसी आएगा यहाँ पे या कोई और अगर ये लेकर के आते हैं तो उसमें भी जो है कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट तो आएगी, तो उसका भी इंतजार रहेगा, उसका भी रिव्यू जो है आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। बाकी स्मूथ है, थोड़ा जो लैग है ना वो आपको तब फील होता है जब आप एकदम से पंजा दबा देते हो ना। हाँ, वो तब फील होता है। अभी देखना आगे आगे दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी स्मूथली आप चल रहे हो ऐसे मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो इसका टॉर्क इतना है गाड़ी का कि आपको एक्सलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें बहुत स्मूथली मतलब ये सारी चीज अपने आप कर लेती है। एक चीज और जैसे आप अगर इसको धीरे से रेव करोगे तो गाड़ी 1500 आरपीएम पे ही गियर चेंज कर देती है। हाँ। अगर आप इसको पूरा प्रेस कर रहे हो तो गाड़ी भी जानती है कि भाई आप इसको खींचना चाह रहे हो। हाँ। तो वो भी पूरा लंबा खींचती है जितना वो खींच सकती है। बिहेवियर नोट कर लेती है अपने आप ऑटोमेटिकली, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो ये देखो अभी ये मैंने पूरा पंजा दबाया, 2 सेकंड कम से कम लेती है और फिर उसके बाद जो रॉकेट बनती है ना देखो, और फिर मैं आपको ब्रेकिंग दिखा देता हूँ। ये देखो बड़े स्मूथली अभी ये देखो 50 पे ब्रेकिंग करेंगे जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े। एक नंबर की ब्रेकिंग है भाई गाड़ी की। और ये देखो
कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने रेस से पैर हटाया, ऑटोमेटिकली गाड़ी क्रोल करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से गाड़ी ले रहे हो तो शानदार ही बोलेंगे गाड़ी को, है ना भाई? शानदार, मतलब इतना कोई झंझट नहीं है, इतना अच्छा जो आपको यहाँ पे गियर बॉक्स मिलता है, मेरे को तो ये गाड़ी एक नंबर पसंद आई भाई, बिल्कुल। हाँ, और सही बात की भाई आपने, जब आप गाड़ी नॉर्मली मतलब ऐसे चलाते हो ना, ज्यादा एक्सलेट नहीं करते हो, तो 1500 आरपीएम 2000 आरपीएम तक मुश्किल जाती है ऑटोमेटिकली गियर जो है, देख लो ना 28 पे स्पीड है और थर्ड गियर में जो है गाड़ी अभी चल रही है, ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट कर देती है, तो ये चीज जो है यहाँ पे काफी अच्छी। बाकी गाड़ी का कम्फर्ट जो है भाई जबरदस्त है, नो डाउट, मजा आता है चलाने में, मजेदार है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भाई मतलब एकदम से कोई नया प्रोडक्ट जो है आप चला रहे हो, बिल्कुल हैंडी सा है एकदम से, स्टीयरिंग व्हील की फील जो है माइंड ब्लोइंग है, ये चीज बहुत प्रीमियम लगती है, ये पैनल्स वगैरह जो है बहुत प्रीमियम लगते हैं, सेफ्टी में आपको पता है 6 एयरबैग गाड़ी में स्टैंडर्ड आते हैं, नो डाउट, ये सिटी मोड इको मोड सब आता है इसके अंदर, मैंने अभी कोई भी मोड नहीं लगाया इसके ऊपर, अभी ये सिटी मोड के अंदर ही चल रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिटी मोड अभी फिलहाल भी एक्टिवेटेड है, यहाँ पे मैंने कोई मोड वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे मतलब ऐसा शूशा करके चलाना कोई ज्यादा पसंद है नहीं गाड़ी, तो जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ मैंने उसी हिसाब से गाड़ी को ड्राइव किया, तो मुझे नॉर्मल तरीके से मतलब जो गाड़ी है बिहेव करे वो ज्यादा पसंद है, तो इस तरीके से मैंने अपने सिटी मोड के हिसाब से चलाया। बाकी स्पोर्ट्स पे आप डाल दोगे तो जो ये गियर थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर रही है ये थोड़ा और लंबा खींचेगी आरपीएम को, बस वो फर्क आ जाता है उसमें, तो एक ये छोटी सी चीज होती है। बाकी इको मोड पे आपको पता है फिर ये और जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट, तो उसमें फिर ये कोशिश करती है कि जितनी जल्दी हो गाड़ी के सारे गियर लग जाए और गाड़ी अपने एक नॉर्मल आइडियल स्पीड पे आ जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमी अच्छी निकल जाए, तो ये थोड़े बहुत फर्क आते हैं। बाकी गाड़ी की फिट एंड फिनिश फील जो है ओवरऑल गाड़ी की शानदार है, काफी स्पोर्टी सा जो है केबिन लगता है, ब्लैक इंटीरियर है। बाकी ये था एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मैं गाड़ी चलाता हूं मैंने अपने हिसाब से ड्राइव किया और मेरे हिसाब से मैं इसको 10 में से 8 नंबर तो मैं दे ही दूंगा। एक जो लैग है ना बस वो थोड़ा सा है, बाकी अदरवाइज अगर आप नॉर्मली थोड़ा चलाना पसंद करते हो तो वो लैग भी आपको कोई इतना दिक्कत नहीं देगा, अगर आप हार्डली एकदम प्रेस कर देते हो पंजे को अपना जो एक्सेलरेट आप एकदम से कर देते हो तो थोड़ा उसमें आपको ये लैग दिखेगा, बाकी अदरवाइज सारी चीजें टॉप नॉच है। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर करना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।